और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय लक्ष्मी और ऋषि के खबर सबके साथ में फैल चुकी है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि ये किसी को नहीं लग पाया पता कि आखिरकार ये किया किसने है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सब कुछ मलिष्का ने किया था। लक्ष्मी और ऋषि के एक्सीडेंट की खबर पूरी तरीका से सभी के साथ में ऐसे फैली और सब लोग अफसोस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऋषि के फादर की बात की जाए तो ऋषि के फादर ने नीलम से सिर्फ एक बात बोली है कि भगवान से प्रार्थना करो कि लक्ष्मी ऋषि के साथ हो, क्योंकि अगर ऋषि के साथ लक्ष्मी होगी तो ऋषि को कुछ भी नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग जानते हैं कि इस समय नीलम भी यही सोच रही हैं कि ऐसा क्या है लक्ष्मी के अंदर कि जब जब लक्ष्मी ऋषि के साथ रहती हैं तो ऋषि सुरक्षित रहता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि असली कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आप लोगों के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन दोस्तों जो हो रहा है उसका तो किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी का एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। और चिंता का दोस्तों रीज़न भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोग डरे हुए हैं कि आखिरकार कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं पे दोस्तों मलिष्का भी समय डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि सभी लोगों के बीच में मेरी पोल पट्टी खुल जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर पोल पट्टी खुलती है तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है, वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि मलिष्का के लिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी का एक और भी नया हिस्सा देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है, और नया हिस्सा भी आप लोग जानते ही हैं। जी हाँ साथी दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।